सो गाइस वेलकम बैक टू ऑल द वीडियोस ऑन माइक्रो टेक। और इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन iPad 10 जनरेशन एंड Samsung Galaxy A9 Plus 5G टैब। हालांकि दोनों टैब का जो सेगमेंट है ये पूरा अलग है, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है आपको कौन सा टैब आपको लेना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में 4GB एंड 64GB वेरियंट का iPad 10 जनरेशन एंड राइट साइड में यहाँ पर Samsung Galaxy A9 Plus 5G 8GB एंड 128GB स्टोरेज वाला एक वेरियंट है। तो चलिए सबसे पहले इन दोनों को ऑन कर लेते हैं। iPad 10 जनरेशन में आपको देखने को मिलता है A14 बायोनिक चिप एंड Samsung Galaxy में आपको देखने को मिलता है Snapdragon 695 का चिपसेट, जो कि 2.2 GHz का ऑक्टाकोर CPU आपको देखने को मिलता है एंड iPad में आपको मिलता है 3.1 GHz का हेक्सागन कोर CPU जो कि मोर पावरफुल देन Snapdragon 695। अगर डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात किया जाए तो iPad में आपको मिलता है 1640x2360 पिक्सल का रेजोल्यूशन एंड वही आपको Samsung में देखने को मिलता है 1200x1920 पिक्सल का रेजोल्यूशन, जो कि काफ़ी कम है iPad 10 जनरेशन से। सो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है, iPad 10 जनरेशन जो है ऑलरेडी ऑन हो चुका है बट अभी भी स्ट्रगल कर रहा है Samsung Galaxy A9 Plus 5G टैब। तो अभी जाके ये ऑन हुआ है तो आप देख ही सकते हो बूटिंग टाइम जो है Samsung Galaxy A9 का बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू iPad 10 जनरेशन। तो चलिए सबसे पहले जो है दोनों टैब का जो ब्राइटनेस है इसको सबसे पहले फुल कर लेते हैं। दोनों में ही आपको यहाँ पे 500 निट्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है एंड दिन के धूप में भी आप इसे बाहर भी यानी कि आउटसाइड में भी इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। iPad 10 जनरेशन में आपको 60 हर्ट्ज़ का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड इसका जो स्मूथनेस है ये काफ़ी बढ़िया है देन Samsung Galaxy A9। एंड ये जो iPad है इसका जो स्क्रीन रिस्पॉन्स टाइम है ये है ओनली 33 मिलीसेकंड्स और इसका जो RGB कलर स्पेस है वो है 97.6%। और यहाँ पे Samsung Galaxy A9 में आपको मिलता है 90 हर्ट्ज का TFT डिस्प्ले, ये भी काफ़ी स्मूथ है और इसका जो स्क्रीन रिस्पॉन्स टाइम है वो है 42 मिलीसेकंड्स एंड इसका जो RGB कलर स्पेस है वो है ओनली 94.2%। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले होने के बाद भी इसका जो स्मूथनेस है ये काफ़ी कम है देन iPad 10 जनरेशन एंड इसका ओवरऑल जो वेट है वो है ओनली 491 ग्राम्स एंड iPad 10 जनरेशन का जो वेट है वो है ओनली 477 ग्राम्स। यहाँ पे Samsung Galaxy A9 Plus 5G टैब में आपको 11 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है, वहीं पे आपका iPad 10 जनरेशन में आपको ओनली 10.9 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे iPad 10 जनरेशन का हाइट थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है जैसे कि 7.7 इंच का एंड A9 में आपको मिलता है 6.64 इंच का हाइट एंड यहाँ पे Samsung Galaxy का जो विड्थ है ये ज़्यादा है देन iPad 10 जनरेशन। सो यहाँ पे Samsung में आपको 10.12 इंचेस का विड्थ देखने को मिलता है, वहीं पे iPad 10 जनरेशन में आपको 9.79 इंचेस का विड्थ देखने को मिलता है। दोनों टाइप का ही बॉटम पोर्शन में आपको 2 स्पीकर ग्रिल, एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट और Samsung Galaxy A9 में एक माइक्रोफोन का होल ऑडियो इनपुट के लिए दिया गया है। यहाँ पे iPad 10 जनरेशन में आपको 7mm का एंड A9 पे आपको 6.9mm का थिकनेस देखने को मिल जाता है। वहीं पे राइट साइड के दोनों पे ही आपको मैग्नेटिक करंट देखने को मिल जाता है जो डिटेचेबल कीबोर्ड को अटैच करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको 2 स्पीकर ग्रिल और देखने को मिलता है दोनों पे ही। iPad में आपको यहाँ पे पावर बटन विद टच ID देखने को मिल जाता है। वही Samsung Galaxy A9 के लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे आपको एक 3.5mm का एक ऑडियो जैक देखने को मिलता है जिससे आप ऑडियो आउटपुट भी कर सकते हो। Samsung Galaxy A9 में आपको मिलता है 8MP का और 5MP रियर एंड फ्रंट कैमरा। वहीं पे आपको iPad 10 जनरेशन में आपको 12MP का रियर एंड 12MP का फ्रंट कैमरा और बैक साइड में आपको एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है एंड दोनों के राइट साइड में आपको देखने को मिलता है वॉल्यूम बटन और Samsung Galaxy में एक पावर बटन। iPad 10 जनरेशन में आपको एक ऑटो हाइट एपर्चर देखने को मिल जाता है, वही Samsung Galaxy A9 Plus टैब में आपको एक फिक्स्ड एपर्चर देखने को मिल जाता है बॉटम के पोर्शन पे। दोनों टैब पे ही जो है आप स्प्लिट स्क्रीन का मज़ा अच्छे से ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा iPad है इसका भी जो स्प्लिट स्क्रीन का जो ऑप्शन है ये काफ़ी स्मूथ है, सेम तरीके से Samsung Galaxy A9 का जो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन है ये भी काफ़ी स्मूथ है और दोनों टैब में ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो कुछ इस तरह से आप स्प्लिट स्क्रीन को आप एडजस्ट कर सकते हो, स्क्रॉल कर सकते हो और iPad में इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्मूथनेस, तो इससे आप मल्टीपल एप्लीकेशन के साथ आप काम कर सकते हो। iPad 10 जनरेशन में ऐसे कुछ एप्लीकेशन मिलता है जैसे कि फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, प्रोक्रिएट। सो इस एप्लीकेशन के मदद से आप ग्राफिक डिज़ाइन एंड एनिमेशन कर सकते हो जो कि आप Samsung Galaxy A9 पे नहीं कर पाओगे। सो ये एक
डिसअपॉइंटमेंट है सैमसंग गैलेक्सी यूजर के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों का जो कैमरा क्वालिटी है उसके बारे में। तो iPad 10 जनरेशन में आपको मिलता है अप टू 4K 60fps का वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट, जिससे आप अच्छे से वीडियो शूट भी कर सकते हो। सो ये है iPad 10 जनरेशन का वीडियो आउटपुट जो काफी क्लियर एंड स्टेबल है 4K 60fps पे। जैसे कि यहाँ पे iPad 10 जनरेशन में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का रियर एंड 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिससे आप वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी अच्छा निकाल सकते हो। वहीं पे यहाँ पे Samsung Galaxy में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा एंड 5 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा, जिससे आपको ठीक ठाक डिसेंट क्वालिटी का फोटो और वीडियो आउटपुट देखने को मिल जाता है। ये है Samsung Galaxy A9 का वीडियो आउटपुट जो काफ़ी ठीक ठाक है इस प्राइस रेंज में। Samsung Galaxy A9 Plus टैब में आपको अप टू 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब इनका जो बैटरी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो Samsung Galaxy A9 में आपको मिलता है 7040mAh का बैटरी, वहीं पे आपको iPad में 7606mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि फुल चार्ज होने में 2.22 आवर लगता है और यहाँ पे Samsung Galaxy में आपको 2.58 आवर तक लग जाता है। और यहाँ पे Samsung Galaxy A9 का जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो है 15W एंड iPad में आपको 20W का चार्जिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको टोटल जो स्टैंडबाय टाइम है वो iPad 10 जनरेशन का 156 आवर है और Samsung Galaxy का 145 आवर। यहाँ पे अगर वीडियो वॉचिंग के टाइम में बात करें तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy में आपको 14.12 आवर का वॉच टाइम और यहाँ पे iPad में आपको 14.03 आवर का वॉच टाइम देखने को मिल जाता है सिंगल चार्ज में। गेमिंग करते हुए यहाँ पे आपको iPad में 6.10 आवर का बैकअप देखने को मिलता है, वहीं पे Samsung Galaxy में आपको मिलता है 6.09 आवर। तो गेमिंग के मामले में iPad का जो बैटरी बैकअप है या फिर जो टोटल स्टैंडबाय का जो बैकअप है वो iPad में ज़्यादा है देन Samsung Galaxy A9 Plus 5G टैब। डिवाइस सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको iPad 10 जनरेशन में मिलता है ओनली पासकोड एंड टच आईडी, यहाँ पे आपको फेस आईडी देखने को नहीं मिलता है। वही Samsung में आपको मिलता है पिन, पासवर्ड, पैटर्न, स्वाइप एंड फेस रिकॉग्निशन। सो यहाँ पे फेस आईडी iPad 10 जनरेशन में देखने को नहीं मिलता है, बट Samsung Galaxy में आपको फेस रिकॉग्निशन का सर्विस देखने को मिल जाता है। अगर इन दोनों डिवाइस को आप ट्रेडिंग के लिए लेना चाहते हो तो दोनों में ही आप काफ़ी अच्छे से चार ट्रेडिंग कर सकते हो। सो Samsung Galaxy में आपको थोड़ा सा वाइडर स्क्रीन देखने को मिलता है, वहीं पे आपको iPad में थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का स्क्रीन देखने को मिलता है और दोनों का जो इंटरफेस है काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी स्मूथ है। तो दोनों से ही आप अच्छे से चार्ट रीड कर पाओगे और इससे आप अच्छे से काम भी कर पाओगे। चलिए आप दोनों डिवाइस में एक साथ जो है YouTube ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों डिवाइस जो है एक ही टाइम पे YouTube ऐप को ओपन कर चुका है और यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं आपको इसका डिस्प्ले क्वालिटी और जो ऑडियो क्वालिटी है इसका डिफरेंस आपको सुना देता हूँ और दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे दोनों डिवाइस का जो साउंड है ये मैं फुल कर देता हूँ और इसका जो ब्राइटनेस है ये फुल है, तो इसका जो डिफरेंस है वो आप अभी सुन पाओगे। सो यहाँ पे आप दोनों डिवाइस का साउंड सुन चुके होंगे और यहाँ पे iPad 10 जनरेशन में आपको दो स्पीकर देखने को मिलता है, वही आपको Samsung में आपको चारों स्पीकर देखने को मिलता है, जिससे इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही स्वीट एंड लाउड है, जिससे आपका जो एंटरटेनमेंट है वो और भी एनहांस हो जाता है। तो चलिए अब इसका जो वीडियो क्वालिटी है ये आपको दिखा देते हैं।
सो यहाँ पे आपको iPad 10 जनरेशन में YouTube ऐप पे आपको अप टू 4K 60fps तक वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पे आपको Samsung Galaxy में आपको अप टू 1080 60fps तक वीडियो प्लेबैक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सो वीडियो प्लेबैक में iPad जो है आगे निकल चुका है, बट साउंड क्वालिटी में Samsung जो है आगे निकल चुका है। सो अभी जो है हम BGMI को टेस्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन सा टैब और कौन सा डिवाइस जो है BGMI का सबसे पहले ओपन करते हैं, और मैक्सिमम कितना आपको यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलता है। सो एज यूजुअल जो है यहाँ पे iPad 10 जनरेशन जो है गेम को ऑन कर चुका है, और यहाँ पे iPad में 4GB एंड 64GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। वहीं पे Samsung Galaxy का 8GB का वेरिएंट है, फिर भी ये स्ट्रगल कर रहा है अभी तक गेम को ओपन करने में। तो अभी जो है इसका मैक्सिमम सेटिंग देख लेते हैं कितना ग्राफिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। सो यहाँ पे मैं दोनों डिवाइस का ऑडियो सेटिंग एंड ग्राफिक सेटिंग में आ चुका हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले जो है iPad 10 जनरेशन में आपको स्मूथ एंड फ्रेम रेट आपको एक्सट्रीम तक देखने को मिलता है। वहीं पे यहाँ पे Samsung Galaxy में आपको स्मूथ एंड अल्ट्रा तक ही देखने को मिलता है। बैलेंस में भी आपको सेम सेटिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे HD में आपको Samsung Galaxy में आपको सिर्फ हाई तक देखने को मिलता है फ्रेम रेट, और यहाँ पे HD पे iPad में आपको एक्सट्रीम तक देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे HDR यहाँ पे आपको एक्सट्रीम तक देखने को मिलता है फ्रेम रेट। बाकी Samsung Galaxy में अब तक HDR का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, और अप टू यहाँ पे iPad में आपको अल्ट्रा HDR अल्ट्रा फ्रेम रेट तक देखने को मिलता है मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग आपको मिलता है Samsung Galaxy में वो है HD हाई तक। सो यहाँ पे साउंड सेटिंग में आपको Samsung Galaxy में सिर्फ हाई तक देखने को मिलता है, वही आपको iPad में अल्ट्रा ऑडियो क्वालिटी भी देखने को मिल जाता है। तो गेमिंग के मामले में ऑब्वियसली iPad 10 जनरेशन यहाँ पे सबसे आगे है देन Samsung Galaxy A9 Plus 5G Tab। सो फाइनली आप जो है कंक्लूजन पे आते हैं, और आपको कौन सा टैब लेना चाहिए। तो अगर आप एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आप टैब लेना चाहते हो, आपको सिर्फ वीडियो देखना है, गाना सुनना है, या फिर नोट्स लिखना है, या फिर स्टडी पर्पस के लिए आप लेना चाहते हो, या फिर ट्रेडिंग भी करना चाहते हो, और यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, तो इससे एंटरटेनमेंट का जो मज़ा है वो और भी एनहांस हो जाता है। और यहाँ पे आपको 1TB तक एक्सटर्नल सपोर्ट भी देखने को मिलता है मेमोरी कार्ड के थ्रू, जिससे आप आपका मेमोरी का स्टोरेज को और भी एक्सपेंड कर सकते हो, और यहाँ पे आप हल्का फुल्का गेम भी अच्छे से खेल पाओगे। तो ओवरऑल आप इस पर्पस के लिए अगर लेना चाहते हो तो आप बेफिक्र होकर आप Samsung Galaxy A9 को ले सकते हो। और अगर आपको प्रोडक्टिविटी करना है, जैसे कि आपको एनिमेशन करना है, ग्राफिक डिज़ाइन करना है, फोटोशॉप चलाना है, एडोब इलस्ट्रेटर चलाना है, और आपको हेवी गेम प्ले यहाँ पे करना है, तो आप डेफिनेटली iPad 10 जनरेशन पे जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे DaVinci जैसा वीडियो एडिटर सपोर्ट कर जाता है, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग भी देखने को मिलता है iPad 10 जनरेशन में, और यहाँ पे आप ग्राफिक्स क्वालिटी भी देख सकते हो। सो ओवरऑल जो है आप अगर प्रोफेशनली आप ग्राफिक डिज़ाइन या फिर एनिमेशन के लिए लेना चाहते हो तो बेफिक्र होकर आप iPad 10 जनरेशन ले लीजिएगा, और अगर आपको सिर्फ गाना सुनना है या फिर एंटरटेनमेंट करना है तो आप Samsung Galaxy A9 को प्रेफर कर लीजिएगा। तो यही कुछ था वीडियो में, तो दोनों का बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सो यही कुछ था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। माइक टेक।